विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यदायी संस्था एवं विभिन्न अधिकारियों की मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्यालय में हाथ धुलाने हेतु व्यवस्था को बनाया जाए और कर्मचारियों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर के जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं उन श्रमिकों को प्रशिक्षित करते हुए मंडल में हो रहे निर्माण कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि गाँव में आए लोगों को नया जॉब कार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी गाँव में मनरेगा का कार्य आरंभ किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। यदि किसी भी निर्माण कार्य में कच्चा माल के आने में समस्या हो तो उन्हें अवगत कराया जाए जिससे उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सहित पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, जल निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमें खतरा बस वही मेडिकल रोड से है, अदरवाइज और सब नाले हम साफ करा रहे हैं, तो वहाँ तो वाटर लॉगिंग जितनी जितने समय के लगता है तो उससे कौन सा वेहिकल लगेगा एनएचआई को। लेकिन ये जो नाले के निर्माण है वो तो पक्के नाले का निर्माण पक्के नाले। देखिए अभी बरसात आने में आपका अच्छा खासा टाइम, मतलब मुझे लगता है दो महीने तो पूरे पूरे आपके पास है। इन दो महीनों का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे, देखिए अप्रैल तो खत्म, इन दो महीने का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब आप हम प्लानिंग करेंगे। और इसमें हमें देखिए प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब और डीएम साहब को बोलिएगा, हमारी चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है सर, हमारी चिंता क्राउडिंग ना हो ये है। बाकी हमें नगर निगम के कार्य भी कराने होंगे, भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी और उनके पास भरपूर काम है। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि आपको नए काम की सोचने से अच्छा है कि करें पूरा, इसलिए कॉन्ट्रेक्टर के साथ मीटिंग करके उनसे पक्का करा दीजिए, मूवमेंट उनको थोड़ा फील हो जाए कि हाँ आप शुरू हो रहे हैं। और फिर तीन तक रुकते हैं, तीन तक तो लोगों को मूव करने में लगेगा, तीन के बाद इन लोगों का भी शुरू करा दीजिए। जैसे कि आप क्या करना है, एक बिल्कुल नए इरादे हम लोग चले हैं, हर स्टेक होल्डर, वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, आपके जूनियर इंजीनियर होंगे, आपके पार्षद होंगे, आपके स्किल लेबर होंगे, अनस्किल लेबर होंगे, हर तबके को अगले साल भी ना एड्रेस कर दीजिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग ये है, ये क्यों हेल्थ से कोई नहीं है, लेकिन आप एडी हेल्थ सीएमओ किसी को बोलिए आ जाएंगे, तो आप इतना कह सकते हैं, आप इतना पढ़ रहे होंगे कि भाई मास्क जो है इंट्रीगल पार्ट हो गया हमारे यूनिफॉर्म का, आप वो मास्क बिना लगाए कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। अभी क्या मैं देखता हूँ लोग जब बात करते हैं तो उसको नीचे करके बात करके, एक दिन हमारे दीवान जी वो खांसते हैं तो उसको मास्क नीचे कर देते थे, उसके खांसने के बाद लगा देते, हमने कहा उठा कर उनको करना चाहिए बहुत अच्छा। लेकिन पहुँचा के मतलब ये नहीं कि आप उसको हर सारी चीज़ें छोटी सी, आपको बार बार कॉन्ट्रैक्टर को बताइए, वर्कर को बताइए, तो वो सारी तैयारियाँ अगले साल चार पाँच दिन में करके 3-4 तारीख में ये लोग अपना आराम करें। एक चीज़ सर बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू ये होगा कि जो निर्देश आए हैं या अब तक जो निर्देश हैं वो ये हैं कि कार्य स्थल पे ही उनको रोका जाए, कम कर दिया, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्वारंटीन कि आप जब तक काम चलेगा तब तक आपको यहीं रहना है, यहीं आस पास के ही मिल जाते। देखिए जितना मैंने वो गाइडलाइंस पढ़ी है उस गाइडलाइंस में बहुत रिजिड गाइडलाइंस नहीं है, जिला प्रशासन के नेतृत्व पर छोड़ा गया है, बिकॉज केसेस अलग, आगरा अलग है, बुलंदशहर अलग है, गोरखपुर अलग है, महाराजगंज अलग है, तो इसलिए एक रूल नोएडा से लेके बलिया तक हो नहीं सकता, और वो जिला प्रशासन को बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, तो वो अब हम लोग भी 5 दिन देख रहे हैं, कई केसेस हैं, सैंपल टेस्टिंग हो रही है, कुछ होता है नहीं, तो वो 3 तारीख के बाद वो भी ले गए। इनफैक्ट उसमें बड़ा लूज उसमें लिखा हुआ है कि आप लेबर्स को भी जाने का दे सकते हैं, लेकिन वो हम लोग इतना ओपन कर देंगे, यही बात गीना गली हो रही थी जब, क्यों नहीं रख सकते, कुछ टेम्परेरी रख सकते हैं सर,